कोरबा के एनटीपीसी इलाके में घायल मिला उदबिलाव, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर वन विभाग को किया सुपुर्द। वन विभाग ने उपचार के लिए भेजा बिलासपुर के मिनी जू कानन पिंडारी। कोरबा जिला वन्य जीवों के लिए बहुत ही अनुकूल है। जिले में इस तरह से कुछ दिनों में कई दुर्लभ जीवों का मिलना इसका उदाहरण है। ऐसा ही कुछ आज फिर देखने को मिला। एनटीपीसी टाउनशिप में सीवरेज वाटर फिल्टर प्लांट के पास उस समय खलबली मच गई जब लोगों ने एक विशालकाय बिल्ली जैसा जीव देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी एनटीपीसी के उच्च अधिकारी को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंच अधिकारी ने कोरबा वन मंडल अधिकारी प्रियंका पांडे को इसकी जानकारी दी। साथ ही कोरबा एसडीओ आशीष खेलवार को दिशा निर्देश दिया। एनटीपीसी कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में होने के कारण इसकी जानकारी कटघोरा डीएफओ प्रेमलता यादव को दिया गया। उसके बाद एनटीपीसी घटना स्थल में टीम भेजने की बात कही गई। फिर स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को अपने साथी देवाशीष राय के साथ मौके के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर उदबिलाव को रेस्क्यू किया, साथ ही उसे मौके पर ही मछली खिलाया गया और ठंडे पानी से नहलाया गया। थोड़ा हलचल होने पर कटघोरा डिवीजन भेजा गया। कटघोरा डीएफओ ने उदबिलाव को देखा, जिस पर अस्वस्थ पाए जाने के कारण बिलासपुर के मिनीजो कानन पिंडारी उपचार के लिए भेज दिया गया। हमको हमारे डीएफओ मैडम के द्वारा बताया गया है कि यहीं एनटीपीसी कॉलोनी में एक उदबिलाव मिला है, तो उसको जाओ देख के आना और उसकी स्थिति है, और फिर उसको अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उसको ठीक करवाना पड़ेगा, ऐसे करके बोली हैं। अब एक है तो हो सकता है, ऐसी संभावना तो हमको यहाँ आने के बाद यहाँ का स्थिति देखने पर लगता है। इसके साथ और भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा, क्योंकि पानी वाले क्षेत्र हैं, पानी में रहता है। एसटीपी में मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो ड्यूटी में था गजेन, उन्होंने जेडली पंप चालू करने के लिए वहाँ गए, उसके बाद देखे कि नाली पे उदबिलाव मतलब कुछ प्राणी जो दिखा उनको, उनको समझ में नहीं आया। फिर जैसे हम लोग दो चार लोग आए तो उनको बताया कि उदबिलाव है और ये दुर्लभ जाति का प्राणी है जो अक्सर करके यहाँ मतलब कि मिलता नहीं है। तो फिर मैंने सर को बताया, अपने EIC नंदी सर, उन्होंने फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। इससे पहले मैं देखा हूँ जूली पार्क के तालाब में तैरते हुए। सर, जैसा कि जानकारी मिला था, कोरबा के जो NTPC है, NTPC पे टाउनशिप के अंदर पे एक ऑर्डर देखा गया था, तो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सूचना दिया, तो यहाँ से फिर हमारी जो कोरबा डिवीज़न की से प्रियंका पांडे मैडम हैं उनके द्वारा जानकारी मिली, और आशीष सर जयसू साहब उनके दिशा निर्देश पे हमने कटघोरा डिवीज़न जो प्रेमलता मैडम है उनको जानकारी दिया, जिस पे उन्होंने बताया कि हम अपने स्टाफ भेज रहे हैं, हम वहाँ पहुँचे और रेस्क्यू करें, और वहाँ रेस्क्यू करने के उपरांत हम अभी कटघोरा डिवीज़न पहुँच के उनकी सुपुर्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य तो ऐसा लगा कि स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, बाकी मैडम के जैसा दिशा निर्देश रहेगा उसके हिसाब से हम आगे करेंगे। जैसा कि जानकारी मिला है कि यहाँ आसपास में और भी ऑर्डर देखे गए हैं, जैसे सिल्वर जुबली पार्क है वहाँ भी देखा गया है बता रहे, तो निश्चित ही यहाँ आसपास में बहुत अच्छा उनको पर्यावरण मिला है, और रहवास क्षेत्र की नदी और तालाबों से है और पानी का क्षेत्र काफ़ी है और मछलियाँ हैं, तो उनके लिए रहवास बहुत अच्छा है, अनुकूल है उनके लिए। निश्चित ही अगर जैसे मैडम का अगर आदेश रहेगा और जैसे प्रशासन का आदेश रहेगा उस पर इनके देख रेख के लिए और रख रखाव के लिए आगे कार्रवाई आगे जो कार्य करना चाहिए। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।